नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, लेसन्स इन लाइफ विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्न्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसका क्या मतलब है? पहला बात है कि हमारा जो लाइफ है, लाइफ प्रोसेसेस हमारा सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा कोच है। और वो जो कोच है हमें उंगली दिखा के बोलता है कि ये लेसन्स तुझे सीखना है, तुझे जानना है, तुझे लर्न करना है। और उंगली दिखा के बोलता है कि ये लेसन्स तुझे सीखना है। और जब तक हम उस लेसन्स को नहीं सीखते हैं, तब तक अपना जो लाइफ है, अपना जो कोच है, अपना जो गुरु है, वो बार बार उसी लेसन्स को सिखाने के लिए बाय वन फॉर्म और द अदर हमारे सामने कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने लेके आते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो हमारा वीकनेस है। एंड लाइफ बोलते हैं कि जब तक उस वीकनेस के ऊपर विन ओवर नहीं करोगे, तब तक तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। और यही जो वीकनेस है, आने वाले दिनों में एवरी नाउ एंड देन तुम्हें रोकेगा आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए तुम्हें ये लेसन्स सीखना है। जस्ट एक एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका निकनेम से परेश। उसका क्या था, पिछले 5-6 साल से एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहा था। क्या प्रॉब्लम्स हो रहा था? कि जब भी कुछ डिफिकल्टीज आते थे, कुछ चैलेंजेस आते थे, वो जो सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी प्रॉब्लम के ऊपर दिन रात हफ्ते महीना पूरा का पूरा फोकस करते थे। खाना पीना छोड़ देते थे, नींद एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज, अपना जो अदर दिनचर्या है सब भूल जाते थे। सब कुछ बंद करके उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे, अरे मैं कैसे इस प्रॉब्लम को टेक ओवर करूं, भगवान मेरे को ही ये प्रॉब्लम्स क्यों दे रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ क्यों हो रहा है, हमेशा मैं ही क्यों। लेकिन वो जो लाइफ है उसको बार बार बोलता है कि देख, प्रॉब्लम्स जब आएगा उस प्रॉब्लम्स से तेरे को लेसन सीखना है। क्या लेसन है? यही कि यू शुड नॉट फॉरगेट योर प्रेजेंट, यू शुड नॉट रिपीट जो आपने पहले कर चुके हैं। लेकिन मिस्टर परेश क्या करता था कि बार बार जब भी उस टाइप का सिचुएशन अपने सामने आता था, प्रॉब्लम्स आता था, तो जितना भी लर्निंग से, जितना भी रीडिंग से, जितना भी लेसन से सब भूल जाता था एंड बैक टू जीरो जाके क्या करता था, सब कुछ बंद कर देता था एंड जस्ट डे इन एंड डे आउट उसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता था एंड वही रिपीट होता था। मैं उसको बोल बोल के थक गया था कि देख भाई, दीज आर द लेसन्स, जब तक आप सीखोगे नहीं एंड इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक You cannot overcome this less problem. क्या problem है? कि problems आएंगे, आपके साथ आए हैं, maybe some XYZ reasons, but जब तक आप इसको as a challenge accept नहीं करोगे and उसके ऊपर win over नहीं करोगे, every now and then, every 3 months, 6 months या every year आपके सामने कुछ form और other में आपको challenges throw करेगा, आपको अपना जो लर्निंग्स है, लेसन्स है, उसके ऊपर स्टिक करना है, भूल नहीं जाना है। एंड पहले जो गलतियां करते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, सोना, नींद एंड अदर एक्टिविटीज आप बंद करके सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे, उसमें आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, रेदर यू वेंट बैक टू जीरो और इवन द नेगेटिव। इसीलिए मैं बार बार उसको बोल रहा था कि आपको
जो रिपीट मोड में नहीं जाना है, बट एवरी टाइम वो रिपीट मोड में चला जाता था, पिछले 3 महीना, 6 महीना या 1 साल का जितना भी लेसन से पूरा का पूरा भूल जाता था। एंड भूलने के बाद वो क्या करता था, वो ओरिजिनल जो मिस्टेक है उसी को रिपीट करता था। इसीलिए वो पिछले 5, 6, 7 साल से उस प्रॉब्लम्स के ऊपर खुद का विन ओवर कर नहीं पाया। व्हाट इट मींस, ये लाइफ हमारे सामने चैलेंजेस थ्रो करेंगे, ऑब्स्टेकल्स थ्रो करेंगे, हमारा वीकनेसेस को टेस्ट करेंगे। हम अगर फेल होते हैं तो फिर दोबारा आने अगले मोड़ पे वही चैलेंजेस, लेकिन उसका शक्ल थोड़ा अलग होगा, उसका कलर टेक्सचर थोड़ा अलग होगा, लेकिन आता रहेगा। लेकिन अगर हम उस ऑब्स्टेकल्स को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं एंड विन ओवर करने का कोशिश करते हैं, हाँ, जब हम उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड विन ओवर करने का कोशिश करेंगे, काफी डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन एक बार अगर हमने उस चैलेंजेस को फेस कर लिया एंड उसके ऊपर काम करने लगा, तो क्या होगा, वो डिफिकल्टीज हमें हरा नहीं पाएगा, हमें फिर दोबारा बैक टू जीरो में लेके नहीं जा पाएगा। एंड एक बार अगर हमने इस परेशानी से निजात पा लिया है, तो अगले मोड़ पे वो परेशानी रहेगा, लेकिन उसका जो साइज होगा, उसका जो इम्प्लीकेशंस होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसीलिए लेसन्स इन लाइफ विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्न्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद वो जो ऑब्स्टेकल्स है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो डिफिकल्टीज है, वो जो चैलेंजेस है, वो हमारे सामने अगले मोड़ पे रहेगा, बट वी नो हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड फेस देम, तो वो जो ऑब्स्टेकल से काफी छोटा हो जाएगा। देन सम न्यू डिफिकल्टीज, सम न्यू चैलेंजेस, सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल पॉप अप एंड वी हैव टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम देम एंड विन ओवर दैट सिचुएशंस। ऐसा करके हम जब आगे बढ़ते रहेंगे, लर्निंग्स लेते रहेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, धीरे धीरे बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो है छोटे से छोटा होता रहेगा, और हम अपने गोल के तरफ, अपने डायरेक्शंस के तरफ, अपने टारगेट के तरफ बढ़ते रहेंगे। तो यही अभी के लिए एक छोटी सी बात है, जब तक हम लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एंड वी फेल इन फ्रंट ऑफ दोज ऑब्स्टेकल्स, वही ऑब्स्टेकल्स दोबारा आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।